आप क्लासेस लेंगे जूम पे, लेकिन बच्चे एग्जाम्स देने आएंगे रूम पे। आपकी यूनिवर्सिटी के सारे इवेंट्स ऑनलाइन किए जाएंगे, लेकिन जब बात आती है बच्चों की परीक्षाओं की तो वो आप ऑफलाइन ही लेंगे। आखिर ऐसा क्यों? ये कुछ वो सवाल हैं जो पिछले कुछ दिनों से जम्मू का भविष्य कहलाए जाने वाले जम्मू के युवा चीख चीख कर जम्मू यूनिवर्सिटी से पूछ रहे हैं। लेकिन या तो जम्मू यूनिवर्सिटी तक ये आवाज पहुंच ही नहीं रही, या वो इसे सुनकर भी कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझते। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी के सभी डिपार्टमेंट्स के विद्यार्थी पिछले कुछ दिनों से ऑनलाइन परीक्षाओं की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जम्मू यूनिवर्सिटी के इसी रवैये से तंग आकर अब विद्यार्थियों ने NSUI के प्रदेश महासचिव अजय लखोत्रा के नेतृत्व में सोमवार से भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला लिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं NSUI के प्रदेश महासचिव अजय लखोत्रा। आइए उनसे बात करके जानते हैं कि आखिर क्यों जम्मू यूनिवर्सिटी हर बार अपने ही विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कश्मीर समाचार में। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जम्मू यूनिवर्सिटी के अपने ही विद्यार्थी अपनी ही यूनिवर्सिटी के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। जी मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पिछले लगभग एक महीने से भी ज्यादा वक्त से NSUI जम्मू कश्मीर जो है वो छात्रों के ऑनलाइन एग्जाम को लेके अपनी जो है मांग को लेके जम्मू प्रशासन से, जम्मू विश्वविद्यालय के प्रशासन से लगातार संपर्क में थी। और हमने इस माध्यम से सबसे पहले ज्ञापन दिया था कि जैसा कि COVID-19 की जो पाबंदियां हैं वो बढ़ गई हैं, और दूसरा स्टूडेंट्स का एकेडमिक ईयर भी वेस्ट हो रहा है, इसलिए उनका ऑनलाइन मोड से आप एग्जाम जल्द से जल्द कंडक्ट करवाइए। लेकिन दुख की बात है कि ज्ञापन के ऊपर जम्मू विश्वविद्यालय ने एज पर देयर हिस्ट्री उन्होंने कोई उस पे गौर नहीं की, और उसके बाद हमें इन्होंने प्रदर्शन करने पे मजबूर किया। फिर भी हमने सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी मापदंडों का पालन करते हुए अपना डेमोन्स्ट्रेशन जो है विश्वविद्यालय में 3-4 बार किया, लेकिन उस पे कोई भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। अभी जो हमने लास्ट टाइम 31 तारीख को प्रदर्शन किया था जम्मू विश्वविद्यालय में, तो उस टाइम पे इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आपका 3-4 दिन में हम लोग आपको कोई ना कोई डिसीजन आपको दे देंगे। लेकिन आज 5वां दिन है, लेकिन आज कोई भी जम्मू विश्वविद्यालय की तरफ से हमें कोई भी जवाब नहीं दिया गया। और दुख की बात ये भी है कि जब हम लोग प्रशासन से मिलने की या उनको फोन पे कांटेक्ट करने की कोशिश करते तो वहां से भी कोई रिस्पांस नहीं आता। इसलिए हमने आज डिसीजन किया है कि मंडे से हम लोग ये कड़ा स्टेप उठाएंगे। जी, स्टूडेंट्स की क्या मांग है कि जो एग्जाम्स है वो ऑनलाइन मोड से होने चाहिए? जी देखिए, स्टूडेंट्स की डिमांड बिल्कुल जायज है और जेन्युइन है। आप अभी देखिए कि जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी कार्यक्रम या जो भी एक्टिविटीज हो रही है सब ऑनलाइन मोड से हो रही है। अगर हम विश्वविद्यालय से पूछना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि एग्जाम के लिए माहौल ठीक है, तो फिर आपने ऑफलाइन आपने जो सेशन स्टूडेंट्स का चल रहा है उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? आप उसको भी चलाइए, मतलब अपने एंड पे विश्वविद्यालय एग्जाम्स के लिए बच्चे ये प्रदर्शन कर रहे हैं, वो क्लासेस ऑनलाइन लगी हैं कि वो ऑफलाइन लगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये मैम ऑनलाइन लगी हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जो इसमें मुद्दा ये है कि इस टाइम पे जैसे मैं आपको ये बिल्कुल सभी ज्वाइंट स्टूडेंट्स की डिमांड है, जैसे बीएड के छात्रों की सबसे पहले बात बताऊंगा, ज्वाइंट उनमें क्या है, ये जो उनके एग्जाम सेकंड सेमेस्टर के ये कायदे से अगर होते तो ये सितंबर अक्टूबर में हो जाते, और उस वक्त आपको पता है कि कोरोना कुछ देर के लिए उसका ग्राफ जो नीचे भी था उस वक्त ये आराम से करवा सकते, लेकिन उन्होंने नहीं करवाया। उसके साथ ही उन्हीं के जो बीएड के क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं उन्होंने ये एग्जाम दिसंबर में ऑनलाइन मोड से कंडक्ट करवा दिया। वो उनके तीसरे सेमेस्टर की तैयारी चल रही है और जम्मू विश्वविद्यालय अभी तक दूसरे सेमेस्टर का भी पेपर लेने में असमर्थ है और नहीं ले पाया है। तो इसलिए ये जो क्लासेस सारी ऑनलाइन चली उनका सेशन बिल्कुल डिले हो रहा है, और जम्मू विश्वविद्यालय अभी भी इसको लटका रही है कि क्या पता गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदियों में छूट दी जाए तो ये फिर ऑफलाइन एग्जाम के लिए बच्चों को फिर से प्रताड़ित कर सके। हमें ये भी सुनने में आया था कि पहले जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाली गई थी कि जो सेमेस्टर जैसे शुरू किया जाएगा उसके एग्जाम्स वैसे ही लिए जाएंगे। मैम बिल्कुल, हमारी अगर आपने बात सुनी हो हमने बिल्कुल यही कहा कि जम्मू विश्वविद्यालय कभी स्टैंड नहीं लेता, इन्होंने पहले यही बच्चों को आश्वासन दिया था। इनकी तरफ से ग्रुप्स में टीचरों ने बच्चों को दिया आश्वासन दिया कि आपका जो क्लासेस ऑनलाइन चल रही पेपर भी ऑनलाइन होंगे, और मैं हमने सबसे बड़ा छात्रों के ऊपर ये इनकी तरफ से एक वो आक्षेप लगाया जाता है कि ये कहते हैं कि छात्र
पढ़ते नहीं है इसलिए वो ऑनलाइन एग्जाम की बात करते हैं। हमने इनको प्रोविजन दिया कि आप तो कहते हैं कि जम्मू विश्वविद्यालय हिंदुस्तान के आला तरीन विश्वविद्यालयों में शुमार है और ए प्लस कैटेगरी की जो है इसकी रैंकिंग है, तो हम कहते हैं कि हमने कहा कि आप प्रॉक्टर्ड वे में छात्रों का बिल्कुल पूरी विजिलेंस के साथ, लेकिन कोविड है आप एग्जामिनेशन सेंटर्स में नहीं बुला सकते, लेकिन जब ये इसको मारने को तैयार नहीं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कोई सिर्फ आप ये नहीं देखिए कि जम्मू सिटी के बच्चे यहाँ पे नहीं पढ़ते, यहाँ पे दूर दराज फार फ्लंग एरियाज के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। कश्मीर में बर्फ की वजह से बिल्कुल रास्ते बंद है, अब कोई छात्र एक पेपर के लिए यहाँ पे 16-17 हजार रुपए खर्चा करके एयरप्लेन की टिकट लेके तो जम्मू आएगा नहीं, उसने आगे आपको ये कहती है कि हम ऑफलाइन एग्जाम्स लेंगे, तो जो बच्चे अभी कोविड पॉजिटिव हैं, जो बिल्कुल बच्चे उन एरियाज में रहते हैं जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन है, उनके लिए क्या आश्वासन देती है मैम? बिल्कुल, हमने बिल्कुल आप हमारी ही बात को दोहरा रहे हैं, हमने विश्वविद्यालय के सामने ये भी रखा था कि आप मुझे बताइए कि आपने एक गाइडलाइन निकाली जिसमें कहा कि जो एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कुछ तो जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन में एरिया जिनका है वो अगर वो वर्क फ्रॉम होम करें, ठीक है बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उन्हीं माइक्रो कंटेनमेंट जोन में जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जामिनेशन देने के लिए आएंगे तो क्या वो दूसरों के लिए कैरियर या खतरा नहीं बनेंगे? लेकिन इन चीजों के ऊपर जम्मू विश्वविद्यालय कुछ नहीं करता। दरअसल बात ये है कि इनके पास जो है वो करवाने का जो पेपर कंडक्ट करवाने का इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इनके पास बहुत सारे फ्लॉज हैं और ये अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना चाहते। हर साल 100 करोड़ से ज्यादा का फंड जो है वो लैप्स हो जाता है, ये खर्च नहीं कर पाते उस चीज को, तो ये आपदा को अवसर में क्यों नहीं बदलते? उन चीजों को यहाँ पे यूटिलाइज करके एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें ताकि हम नहीं जानते कि कोविड कब कब तक है, कब जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं चाइना ने एक नियो कोविड करके भी एक नए वायरस की चेतावनी दे दी है, यदि वो आ गया तो उसके बाद कैसे होगा, ये जम्मू विश्वविद्यालय को सोचना पड़ेगा इसके ऊपर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और अजय जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बार बार हम ये सुनते हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी जो है स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खेल रही होती है, ऐसा क्या कारण है कि ये स्टूडेंट्स के भविष्य को ही सीरियसली नहीं लेती है? देखिए मैंने आपको बता दिया, ये सीरियसली तो सब कुछ लेते हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि इनके पास इनकी खुद नाकामी है, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और इनके पास नीयत नहीं है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने की, इसलिए ये बार बार छात्रों के ऊपर हर चीज का ठीकरा फोड़ते हैं। बहुत आसान होता है बोलना कि छात्र पढ़ते नहीं है तो ये ऑनलाइन की डिमांड करते हैं, लेकिन जब छात्र आगे से कह रहे हैं कि हम लोग आपकी जैसे आईआईटी की तर्ज पे आप एग्जाम लीजिए, आप कंप्यूटर बेस्ड पेपर लीजिए, आपको किसने मना किया कि कोई छात्र अगर अपनी आई साइट भी ब्लिंक करता है तो उसका बिल्कुल ऑटोमेटिकली पेपर बंद हो जाता है? आप ऐसी टेक्नोलॉजी लाइए, कहते तो है हम डिजिटल इंडिया और 21st सेंचुरी इंडिया, लेकिन कहां पे है? ये तो 1970 से भी पुराने दशक में मुझे लगता है जम्मू विश्वविद्यालय भी जी रहा है। तो ये जम्मू विश्वविद्यालय की जो मांग है ये कुछ एक दो डिपार्टमेंट्स की है कि सब डिपार्टमेंट? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं मैम, ये देखिए हमारी डिमांड बड़ी स्पष्ट है और बिल्कुल क्लियर कट है कि जिस जिसके जैसे जैसे आपने एग्जाम का, क्योंकि जब हमने शुरुआत की थी इसके, ये दरअसल नवंबर में शुरू हुआ था हमारी डिमांड को और 28 नवंबर को हमने पहला प्रोटेस्ट किया था डिस्टेंस डिपार्टमेंट को लेके। उसके बाद जिन जिन छात्रों को हमारे कॉन्टेक्ट में आते हैं सभी की डिमांड जेन्युइन है, बीएड वाले छात्र हो गए, ये लॉ के स्टूडेंट्स हो गए, जम्मू यूनिवर्सिटी कैंपस के स्टूडेंट हो गए, 65 जितने हमारे एफिलेटेड कॉलेजेस जीडीसी कॉलेजेस हैं उनके हो गए, ये सबका मसला है, क्योंकि कोविड किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वो सबके लिए है और क्लासेस सबकी ऑनलाइन हुई है। तो अभी तक यूनिवर्सिटी की ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई भी डेट शीट सामने नहीं आई है? देखिए अभी यहाँ पे विश्वविद्यालय के अंदर कल भी यहाँ पे हमें अंदर से खबर मिली थी कि वहाँ पे वीसी साहब जो है हमारे वाइस चांसलर साहब, वो डॉ ऑफिस में बैठ के डीन एकेडमिक अफेयर के साथ बैठ के हर एक डिपार्टमेंट के एचओडी के साथ मीटिंग कर रहे हैं वन बाय वन। लेकिन हम तो ये कहते थे कि हमें जो हमारा जैसे आपने कल एक मीटिंग की उसका एक आउटकम दीजिए हमें, कि ना इस पार छोड़ रहे ना उस पार छोड़ रहे, छात्र कैसे पढ़ेंगे, उनका एकेडमिक ईयर लेट होगा, जितनी लेट होती जा रही है उससे बच्चों की डिग्री भी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बोल रहा हूँ जो जिन स्टूडेंट्स ने 2019 में एडमिशन ली थी पीजी में, उनकी 2021 में खत्म होनी थी कायदे से और वो 2022 चढ़ गया है, लेकिन उनकी अभी तक पेपर नहीं हुए, वो कैसे आगे जाके कम्पीट करेंगे, वो कैसे जवाब देंगे कि जब उनको कहीं गवर्नमेंट जॉब में या किसी पे भी जाएंगे तो उनको कौन पूछेगा कि आप 2 साल की डिग्री 30 साल में आपने कैसे कम्प्लीट की? ये चीजें बुनियादी इस प्रश्न में सारे। बिल्कुल, तो जो जम्मू यूनिवर्सिटी अभी अपने कान बंद करके बैठी है, सभी छात्रों के बिहाफ पे आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं जम्मू विश्वविद्यालय को यही कहना चाहूंगा, हमारी बात उनको पता है कि हमारी मांगे क्या है, मैं फिर आपके माध्यम से उनको बताना चाहूंगा कि हमने जो मंडे को कॉल दी है उसको आप प्लीज हमें
मजबूर ना करें हम ऐसा करें, इसलिए आप हमारी जो डिमांड है उसको पहले ही मान लें। जैसा पिछली बार भी आपने किया था 70-30 रेशो रखी थी, 30% वाइवा और 70% आपने थ्योरी, अब वैसा कुछ करिए, नहीं तो आप कोई अपनी टेक्नोलॉजी बिल्ड करिए, लेकिन ये मजाक छात्रों के साथ नहीं होगा। चाहे आप, हमें संघर्ष करना पड़ेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। और सभी स्टूडेंट्स को मैं ये बोलूंगा कि हम लोग वहाँ पे बिल्कुल सत्याग्रह करेंगे अपना, हम लोग कोई किसी कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं लेंगे, हम लोग वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग और पूरा कोविड मापदंडों का पालन करते हुए अपने सत्याग्रह करेंगे। गांधी जी के मार्ग पर चल के हम अपनी मांगों को मनवाएंगे जम्मू विश्वविद्यालय को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी जल्द ही इस मामले को और बच्चों के भविष्य को गंभीरता से ले। ओके, थैंक यू। ये थे हमारे साथ NSUI के प्रदेश महासचिव अजय लखोत्रा, जो खुद भी जम्मू यूनिवर्सिटी के एक विद्यार्थी हैं और उनकी मांगे और इरादे बिल्कुल स्पष्ट हैं। लेकिन ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि जम्मू यूनिवर्सिटी आखिर किस बात का इंतजार कर रही है, बच्चों की डिग्री लेट करने का या फिर से कोरोना संक्रमण फैलने का? जम्मू यूनिवर्सिटी ने बाकी यूनिवर्सिटी से अभी तक कोई सीख नहीं ली। हम ये उम्मीद करते हैं कि आखिर अब जम्मू यूनिवर्सिटी अपने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना तो बंद करे।